ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कैमरे में ही खूबसूरत लगती है। ये देख सकते हो जूते, ये देखो कौन सा स्विट्जरलैंड। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम दिखाएंगे राजस्थान का स्विट्जरलैंड। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जिसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं। क्यों स्विट्जरलैंड बोलते हैं, कैसी है, क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बने रहिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए हम चलते हैं राजस्थान के स्विट्जरलैंड में। सबसे पहले तो आपको किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन इसमें आना है, और सामने वो जो काली कार दिख रही हो ना, वहाँ पर जो एक कमरा बना हुआ ना, उसके अंदर आप जाकर परमिशन वगैरह ले सकते हो। फ्री है परमिशन। ये ऐसा है कुछ परमिशन ऑफिस, आपको कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर, अपना आधार कार्ड नंबर, अपना नाम लिखना है और आपको परमिशन मिल जाएगी। अगर आप प्री वेडिंग शूटिंग करने जाते हो तो कैमरे का 5100 रुपये चार्ज। ये मार्बल एसोसिएशन ऑफिस है, इसके सामने से सीधे जाओगे तो पहला राइट आपको ले लेना है और एकदम सीधा जाना है, आपको डंपिंग यार्ड आ जाएगा। ये गेट है डंपिंग यार्ड का, और जैसे कार खड़ी है उसको चेक कर रहे हैं पास से, और अंदर रास्ता है। आपको गेट पे पास चेक कराना है, उसके बाद में आपको सीधे चले जाना है, उसके बाद में लेफ्ट और उसके बाद में राइट। आप आगे देखोगे तो आपको पार्किंग दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके डंपिंग यार्ड में घूम सकते हैं। ये है डंपिंग यार्ड, और ये कुछ इसका पार्किंग। इधर टॉयलेट बने हुए, इधर गाड़ियाँ खड़े करने के लिए जगह हैं, और इधर गाड़ियाँ लोड हो रही है। ये जो मलबा है ना, ये कहीं जा रहा होगा सीमेंट वगैरह बनने के लिए। ये आप देख सकते हो पूरा वाइट वाइट, और वहाँ पे कुछ शूटिंग चल रही है, और ये आप देख सकते हो ये पेड़ है ना, इसके पास में बागी 3 का 10 बहाने लेके गया दिल्ली गाना शूट हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, आप लगा के देख लेना। और ऐसा है कुछ डंपिंग यार्ड, ये देख सकते हो यहाँ पे अक्सर सॉन्ग प्री वेडिंग शूट होती रहती है। देखो तो अभी भी कुछ फ़ोटो शूट वगैरह हो रहा है वहाँ। ये यहाँ का पानी है जो कि बहुत सारे प्री वेडिंग में, ऊपर से देखेंगे तो ब्लू दिखता है और साइड से देखेंगे तो वाइट है। देखो ये देखो नीले नीले दिख रहे हैं, देख सकते हो मेरे पीछे पेड़। इस पेड़ के पास में बहुत सारी मूवियों की गाने की शूटिंग हुई है, और बागी 3 का सॉन्ग भी इस पेड़ के पास में हुआ है। ऐसा कुछ नज़ारा है इसका। देखिए इस साइड में भी कुछ बना हुआ है, ये देखो। तो गाइस इसके अंदर ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है, सिर्फ आपका काटा जा रहा है। और यहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग करने के लिए फिर 5100 रुपये से चार्ज बताया था। और ये कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा के रखे हैं, देखो ऐसे सूखे पेड़ लगा के रखे हैं और आपका काटा जा रहा है। कहीं पे भी आपके गांव में अगर मार्बल कटिंग करने वाली फैक्ट्री हो उसके पास जाके देख लेना, वही है। वो छोटे स्तर पे होता है, ये बड़े स्तर पे, बस और कुछ नहीं है। लोग बाहर से देखने के लिए इसको आते हैं, बट इतनी आने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे देख सकते हो पानी है, तो ड्रोन से थोड़ा सा अच्छा दिखता है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर। कुछ प्री वेडिंग इस जो लकड़ा रखा हुआ ना इसके ऊपर होती है। यहाँ पर एक मार्बल से काट के चेयर बनाई हुई है। ये आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें ना सिर्फ कैमरे में ही खूबसूरत लगती है। दोस्तों मैं रियल चीज़ बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, ये सिर्फ यहाँ से डिज़ाइन बनाए हुए हैं, और पूरी की पूरी वाइट मिट्टी। आप आओगे ना तो आपके जूते, ये देख सकते हो जूते, ये देखो कौन सा स्विट्जरलैंड। दोस्तों ये ऐसा है डंपिंग यार्ड कुछ, और सीधा का सीधा आपका काटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं देखने लायक। पूरी पूरी आप देख सकते हो वाइट मिट्टी है, और इसका यहाँ पर प्री वेडिंग बाकी कैमरे की नज़र से अच्छा दिख रहा है। कैमरे में आप जब देखोगे तो बहुत खूबसूरत लगता है, बाकी आप अंदर आके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि कहीं मार्बल कटिंग करने वाली फैक्ट्री के अंदर आ गए। और एक्चुअली में है ये मार्बल कटिंग करने वाला वेस्ट ही है, जो कि एकदम मिट्टी जैसा होता है ना, उसको ला ला के यहाँ पर जमा कर दिए, उसके बाद में ट्रक लोडिंग हो रहे हैं, वाइट सीमेंट बन रही है, और यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं, और उधर शूटिंग वगैरह बहुत हो रही है।
मेरे को ये चीज़ मस्त लगी, ये पत्थर के ऊपर काट के कुर्सी बना दिए थे ऐसे, और इधर शूटिंग चल रही है और ऐसा कुछ अलग अलग जगह पे पत्थर रखे हुए हैं अलग अलग टाइप, जो कि वाइट के अंदर खूबसूरत लग रहे हैं। देख यहाँ पे बना के रख देंगे, और एक मैंने वहाँ पर भी देखा था वो देखो, और उधर भी शूटिंग चली उधर है, इधर ऐसे ऐसे बना के रख देंगे, ये देखो इधर भी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखने के लिए कि लोग अट्रैक्टिव हो, प्री वेडिंग में लोग खर्चा करें भाई। ये यहाँ पे वो देखो सिर्फ प्री वेडिंग वाले ही जा रहे हैं, और उन्होंने घोड़े भी बुक किए बने हुए, और कुछ से नहीं है यहाँ पर, सिर्फ स्विट्जरलैंड नाम बताया हुआ है। सिर्फ आप फोटो के नज़रिए से आओ तो आओ ना, कैमरा रहेगा तो आपको 5100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही है तो मोबाइल से कुछ भी आप शूट कर सकते हो, आईफोन वगैरह है आपके पास में तो अच्छी चीज़ें आ सकती हैं यहाँ पर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।